बिजली की स्थिति को सुधारने में वो असफल रहे हैं। तो ये रांची में बिजली बेरहम हो गई है, दिन के साथ रात में भी उमस के साथ तेज गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, वहीं रात में बिजली कटौती से नींद हराम हाई गई है। 24 घंटे में 5 घंटे तक बिजली कट रही है। मंगलवार की देर रात 2:45 में 15 मिनट रांची में तेज आंधी चली और बारिश हुई तो पूरे शहर में 3 घंटे बिजली गुल हो गई, कहीं कहीं 5 घंटे से भी अधिक गुल रही। झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL ने फरवरी में ही दावा किया था कि रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा हो गया है, मार्च से आंधी पानी में भी बिजली नहीं जाएगी। वहीं इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहले का ट्वीट शेयर करते हुए भाजपा ने भी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो 23 जुलाई 2018 को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि राज्य में बिजली की त्राहिमाम स्थिति है, सिर्फ 10 घंटे बिजली रहती है, जनता त्रस्त है। लेकिन लगता है मुख्यमंत्री बनते उनकी याददाश्त कमजोर सी हो गई है, अब यह था ई के दांत वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। जब प्रतिपक्ष में थे तो कुछ और नसीहत देते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री पद पर हैं, वो अपनी बातों को भूल गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब उन्होंने 23 जुलाई 2018 को ट्वीट करके कहा था कि पूरे प्रदेश में बिजली की त्राहिमाम स्थिति है और सिर्फ सरकारी जो बंगले हैं वहां जनरेटर के जरिए मंत्रियों को सुख सुविधा मिल रहा है, लेकिन आम जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 घंटे बिजली रहती है। आज तो हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि तो आज जो प्रदेश की जो स्थिति है, पूरे झारखंड के इतिहास में बिजली की इतनी बदहाल स्थिति जनता ने कभी नहीं देखा। अब तो बिजली बमुश्किल 2-4 घंटे ही रहती है। तो मुख्यमंत्री जी की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्योंकि 2018 में जो उन्होंने बातें कही थी, आज तो सत्ता में वो करीब 4.25 सालों से काबिज है, फिर भी वो बिजली की स्थिति को सुधारने में वो असफल रहे हैं। तो ये साफ हाथी के दांत वाली बात हो गई। जब ये प्रतिपक्ष के नेता थे तो इनकी बातें सिर्फ कहने को होती थी, लेकिन जब वो पक्ष में है, जब मुख्यमंत्री है, तो भी उनसे कुछ नहीं हो रहा। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो है शासन जो व्यवस्था है वो फेल है और जनता को जो राहत पहुंचाने में ये नाकाम रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।